क्या आपको मालूम है दान कितने तरीके के होते हैं? नहीं मालूम? दान सिर्फ किसी को कुछ सामान देना नहीं होता, दान कई तरह के होते हैं। आज आपको हर तरह के दान की जानकारी दे रही हूँ। हो सकता है आपको भी दूसरों को दान करने का मौका मिले, तो पहले नॉलेज तो ले लें। सबसे पहले रक्तदान। रक्तदान को महादान कहा गया। सारे दान एक बार, रक्तदान बार बार, ऐसा कहा जाता है। औषधि दान, बीमार आदमी को सेहतमंद करने के लिए औषधि दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आरोग्य दान, किसी ज़रूरतमंद को अपनी देखरेख में रखकर उसका इलाज कराएं, ऑपरेशन कराना, ये दान है। अंग दान, रोगी की जान बचाने के लिए शरीर के किसी भी अंग का दान, जो डेथ के बाद भी आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको कानून को फॉलो करना चाहिए, ज़रूर करें। नेत्रदान, मरने के बाद आँखों का दान ज़रूर कर जाइएगा, नहीं तो बेकार ही होंगी ना। कायादान, अपने शरीर से परोपकार और दया के काम करते रहने चाहिए, इसको कायादान कहते हैं, इससे पुण्य मिलता है। श्रमदान, कई लोग मिलकर जो दान करते हैं, मेहनत करते हैं, उसे श्रमदान कहते हैं, जिसमें सेवा आती है। समय दान, अपने रोज के समय में से कुछ समय निकालना, छुट्टियों में से भी समय निकालना और कुछ अच्छा काम करना, समय दान है। अभय दान, जब कोई डर जाए, जान का खतरा हो, तो उसे शरण दीजिए, माफ कीजिए। आशीर्वाद दान, दिल से दिया गया आशीर्वाद किसी की भी जिंदगी सुधार सकता है, घर में सास बहू के झगड़े खत्म कर सकता है, ये दान भी आपको जरूर करना चाहिए। दया दान, दया धर्म का मूल है, इसे इंसान और जानवर और पेड़ पौधों के साथ करें। क्षमा दान, कोई भी गलती कितनी भी बड़ी हो, क्षमा ना किया जा सके ऐसी नहीं है, इसे जरूर कीजिए। त्याग दान, सारे सुख त्याग से मिलते हैं, इसीलिए त्याग जरूर करें। आपको दान करते या लेते समय कुछ खास बातों का ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान दिया या नहीं रखा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, वो सब आपको बताने जा रही हूँ। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, कपड़ा, छत्र, आसन और चीज़ों का दान पूरे जीवन शुभ फल प्रदान करता है। मान्यता यह है कि जब भी आत्मा त्याग देती है, तब आत्मा को जीवन किए गए पाप और पुण्यों का फल भोगना पड़ता है। पाप कर्मों से भयानक फल आत्मा को मिलते हैं। इन 8 चीज़ों का दान मृत्यु के बाद कष्टों को दूर करती है। जो पत्नी, बेटे और परिवार को दुखी करते हुए दान देता है, वो दान पुण्य प्रदान नहीं करता। दान सभी की प्रसन्नता के साथ किया जाना चाहिए। ज़रूरतमंद के घर जाकर किया गया दान उत्तम होता है। ज़रूरतमंद को घर बुलाकर किया हुआ दान बीज का फल देने वाला माना जाता है। अगर कोई गाय, ज़रूरतमंद और रोगियों का दान करता है, तो उस दान को देने से रोकना नहीं चाहिए, ऐसे रोकने वाला पाप का भागी होता है।